अब यहां पे अगला कॉलम था इंसेंटिव का कि भाई स्लैब इंसेंटिव आपको निकालने थी, तो आपने दो तरीके से निकाला, दोनों तरीका आपका गलत था। गलत क्या था कि जैसे हमने यहां पे चार दूंगा तो फिर भी यहां पे आपको 700 आ रहा है, इस जो तरीका लगाया गलत था। लेकिन यहां पे 5 2 7 40 है, तो आपने यहां पे जो लेस देन इक्वल टू 40 किया है यही पे आपका गड़बड़ है। इससे पहले आपको एक और कंडीशन देनी होगी, यहां पे एक और कंडीशन नहीं है कि इफ लेस देन 5 होगा तो यहां पे 0 आना चाहिए। बस एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे आपको देना और फिर रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है, क्योंकि यहां पे है ग्रेटर देन 100 है यहां पे, है ना सर। तो ग्रेटर 100 के लिए आपने यहां पे 5000, भाई इसके अलावा कुछ भी आएगा तो 5000 आएगा। और यही दिक्कत हो रही थी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कि यहां पे जैसे यहां पे मान लीजिए मैं 50 डाल रहा हूं तो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जैसे 4 कर रहा हूं यहां पे 5000 आ जा रहा है सबसे लास्ट। क्यों? क्योंकि आपने 5000 को, जो आपका जो 5000 है उसको आपने एल्स में डाला हुआ है। इसमें डाला हुआ है एल्स में डाला हुआ है, तो कुछ भी रिजल्ट टाइम मिलेगा तो वो एल्स को ही दिखाएगा ना सर। तो एल्स में ना डाले, चाहे इससे पहले कंडीशन लगा दे, क्योंकि इसने देखा कि भाई 5 से 40 में 700 देना है, इसके बाद इसने देखा कि 41 से 80 में 1000 देना है, इसमें 1000 देना है, इसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि 5 से नीचे पे क्या देना है, तो 5 से नीचे एल्स हो गया, तो एल्स में इसमें 5000 शो कर दिया। समझ गए सर? तो इसका ध्यान आप लोग रखिएगा कि एल्स में आप जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो कभी एल्स में मत रखिएगा। जैसे कि आपने यहां एल्स में रखा तो आपके साथ प्रॉब्लम हुई, तो इसी तरह से आप एल्स में चीजें ना रखें।